हाय दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आप सभी को ये टक्स बनाना सिखाएंगे कि कैसे हम चारों निशान लगाते हैं, कितना कौन सा लिया जाता है। सबसे पहले हम ये गला की तरफ से आगे की तरफ से 4 इंच का इधर 4 इंच का निशान लगाकर यहाँ पे ऐसे निशान लगा देंगे। फिर ऊपर से नापेंगे 10.5 इंच। ये हमने 10.5 इंच नापा। इसी के सामने से जहाँ पे हमने इधर से निशान लगाया था इसी के बीच में रखेंगे। तो ये 10.5 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे निशान लगा दिए। फिर हम इसी के ऊपर और ये वाली लाइन हम इधर से 4 इंच नाप कर इधर लाइन खींच देंगे नीचे। फिर हम यहाँ पे 1.5 इंच रखेंगे। ये हमारा इंची टेप यहाँ पे 1.5 इंच रख के फिर यहाँ हम 3 पे निशान लगा लेंगे, ऐसे छोटा सा बिंदु कर लेंगे। फिर यहाँ पे भी हम ऐसे निशान लगा लेंगे। ये 1.5 इंच का निशान रहेगा हमारा। फिर यहाँ पे हम और फिर इस बिंदी को इधर मिला देंगे तिरछा में, थोड़ा सा तिरछा लगाएंगे, ज्यादा नहीं। फिर इसको ऐसे बंद का निशान दे देंगे। फिर यहाँ पे भी ये बंद का निशान दे देंगे और फिर इसको भी थोड़ा सा तिरछा करके ये इधर लेकर मिला देंगे। फिर यहाँ पे हम इधर इंची टेप करके 1.5 इंच पे इधर का निशान लगा लेंगे। यहाँ पे यहाँ कॉर्नर पे रख के यहाँ लगा लिए। अब इसको हम इधर मिला देंगे तिरछे में। ये भी हम बंद कर देंगे। अब इसी पे हम ये हम देख सकते हैं आप कि हमारा एकदम गोल होना चाहिए। इसी तरह हम चारों निशान ये एकदम गोल शेप आ रहा है। हम चांद बन रहा है, ये ऐसा ही बनना चाहिए हमारा। सबसे परफेक्ट बनता है इस ऐसे बनाने से। और फिर ऊपर के से हम बेल्ट काटने के लिए हम ऊपर से गला से 5.5 हम नापेंगे। यहाँ पे हमारा 5.5 आ रहा है। फिर हम ये छोड़कर ये वाला नापेंगे कि ये हमारा कितना है। ये 4 इंच आ रहा है हमारा, तो फिर इसमें हम 1 इंच माइनस कर देंगे तो इधर हमारा 2.5 बच रहा है। फिर इधर हम 2.5 इंच नाप लेंगे। और फिर इसको इस निशान को और इसको तिरछा में मिलाते हुए चले जाएंगे। ऐसा हमारा ये बेल्ट का भी हो जाएगा। इसकी हम कटिंग कर देंगे और ये चारों टक्स का हो जाएगा। और ये हम निशान ऐसे लगा लेंगे कि इसको हमें आगे ही लगाना है। अब ये इधर भी दोनों तरफ इसको निशान लगा लेंगे। इसको हम मशीन से स्टिचिंग करना बताएंगे। इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे और यहाँ पे हम 1/2 इंच का कपड़ा पकड़ेंगे इस तरह से। किस तरह से पकड़ के इसको भी ये वाला सब हम कम कम कपड़ा पकड़ते हैं। धागा निकाल कर इसको ऐसे मोड़ दिया जाता है कि उगरे ना, तो सब देख सकते हैं।
बेल्ट करके दिखा दे रहे हैं। और फिर बेल्ट को ऐसे थोड़ा सा आगे की तरफ रख के इसको ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। देख सकते हैं, ये हमारा चारों टक्स मशीन से भी रेडी हो गया है। ये बेल्ट भी हम लगा लिए हैं। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो थैंक यू।